नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज मैं आपके लिए लाया हूँ जोल फ्रेश टैबलेट का रिव्यू। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये जो जोल फ्रेश टैबलेट आती है इसके क्या क्या यूजेस हैं, क्या क्या बेनिफिट्स हैं और किन किन कामों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों आप वीडियो को पूरा देखना, वीडियो से आपको इस दवाई के बारे में पूरी नॉलेज और पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हम इसी तरीके की मेडिकल से रिलेटेड वीडियोज़ आपके लिए लाते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जोल फ्रेश टैबलेट जो आती है ये कौन सी कंपनी बनाती है और इसके MRP कितनी है, कौन सा साल्ट इसके अंदर दवाई के अंदर डाला गया है। तो बात करते हैं दोस्तों कंपनी की। दोस्तों ये एबॉट कंपनी इस दवाई को बनाती है। एबॉट कंपनी काफ़ी बड़ी फार्मा कंपनी है जो काफ़ी जेन्युइन और काफ़ी अच्छी दवाइयाँ बनाती है। बात करते हैं इसके MRP की, तो इसका MRP है 142 रुपये और एक पत्ते के अंदर 15 गोलियाँ निकलती हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। और इसके अंदर जो साल्ट डाला गया है उस साल्ट का नाम है जोलपीडेम 10 mg, जो कि इसके अंदर वन साल्ट सिंगल साल्ट से मिलकर यह दवाई बनी है। और जोलपीडेम जो 10 mg का साल्ट है वो काफ़ी बढ़िया साल्ट होता है। अब भी मैं आपको बताऊंगा कि किस काम में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और बात करते हैं अब इसके यूजेस के बारे में और किन किन कामों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों इसका इस्तेमाल इंसोमनिया में किया जाता है, इसका मतलब होता है कि नींद का कम आना। जिन लोगों को नींद नहीं आती है, जिन लोगों को बेचैनी रहती है, घबराहट रहती है और काफ़ी परेशान रहते हैं, नींद काफ़ी कोशिश करते हैं उसके बाद भी नींद नहीं आती, तो उन सब कंडीशन में इस दवाई का इस्तेमाल किया जाता है और काफ़ी अच्छी दवाई है। लेकिन दोस्तों उससे पहले आपको एक बात बता दूं, बिना डॉक्टर की सलाह के दवाई का इस्तेमाल ना करें, एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही इस दवाई का इस्तेमाल करें। दोस्तों इस दवाई को यूज़ कैसे करना है और किस तरीके से आपको लेना है, कितने दिन लेना है, वो सारी डिटेल आपको डॉक्टर ही बताएगा, क्योंकि आपको एक बार जो है डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करना होगा कि अगर आपको नींद कम आ रही है, आपको नींद की समस्या है, तो आपको सबसे पहले अपना चेकअप कराना होगा कि आपको डॉक्टर आपका ट्रीटमेंट कर, मतलब उससे पहले आपको चेक करेगा कि आपको नींद किस वजह से नहीं आ रही है। हो सकता है आपका ब्लड प्रेशर हाई भी हो सकता है, लो भी हो सकता है, या फिर आपको ज़्यादा टेंशन रहती होगी, या आप ज़्यादा सोचते होगे, या आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम होगी, या आपको हेडेक वगैरह रहता होगा। कई वजह होती हैं जिसकी वजह से नींद नहीं आती, तो इसके लिए आपको एक बार पहले डॉक्टर से जो है एक बार अपना ट्रीटमेंट कराना होगा, या डॉक्टर को दिखाना होगा कि क्या वजह है नींद ना आने की। उसके बाद ही डॉक्टर आपको दवाई लिखेगा, हो सकता है जोल फ्रेश लिखे या और भी कोई दवाई लिख सकता है जो आपकी जो प्रॉब्लम को ठीक कर सके। तो दोस्तों अब बात करते हैं इसके डोज के, इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में। डोज तो मैंने आपको बता ही दिया है कि आप जो है डॉक्टर को दिखाओगे तभी डॉक्टर आपको डोज बताएगा, लेकिन चलो फिर भी मैं आपको एग्जांपल के तौर पे डोज बता देता हूँ। खाना खाने के आधे घंटे बाद इसको एक टैबलेट ली जाती है और इससे आधे या पौने घंटे के अंदर जो है इसका असर होना स्टार्ट हो जाता है, इससे नींद आ जाती है। अगर आप फर्स्ट टाइम इस दवाई को खाओगे तो 7 से 8 घंटे आप आराम से सो पाओगे। अगर आपको रात को 11 बजे मान लो सपोज करो आपने दवाई खाई, तो आप 6 बजे 7 बजे तक जो है आराम से आप सोओगे, आपको बीच में बिल्कुल जो है आपको आँख नहीं खुलेगी आपकी और आप जो है पूरी रात आराम से सो सकोगे। लेकिन दोस्तों इस दवाई को यूज़ करने से पहले एक बार डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करें, क्योंकि ये दवाई वैसे भी आपको मार्केट में इतनी आसानी से मिलने वाली नहीं है, क्योंकि कोई भी केमिस्ट वाला या मेडिकल स्टोर वाला इस दवाई को आपको नहीं देगा, क्योंकि इस दवाई पे जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की। और आप ऐसे अगर जाओगे तो कोई केमिस्ट वाला आपको मना कर देगा, नहीं देगा इस दवाई को। अब दोस्तों बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं, जैसे कि इसको यूज़ करने के बाद वोमिटिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, नोज़िया की प्रॉब्लम हो सकती है, जी मचलाने की प्रॉब्लम हो सकती है। और ज़्यादा अगर कोई इस दवाई का इस्तेमाल करता है तो उसको मेमोरी लॉस की भी प्रॉब्लम हो जाती है। दोस्तों ये दवाई कुछ ही दिन खाई जाती है, आपको जब नींद आने लगे रेगुलर तो इस दवाई को छोड़ दें। अगर आप रेगुलर इस दवाई का इस्तेमाल करते रहेंगे तो आपको जो है मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम हो जाएगी और आप बात छोटी छोटी चीज़ों को भूलने लगोगे। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इस दवाई का मिसयूज़ भी करते हैं। क्या होता है
बहुत सारे लोगों के जो है ना कुछ सेटिंग होती है, कोई जुगाड़ होती है केमिस्ट वालों से या कोई जान पहचान के लोग होते हैं, तो उनसे जो है डायरेक्ट ये लेते रहते हैं, खरीदते रहते हैं और रेगुलर इसको खाते रहते हैं। अगर रेगुलर आप खाने लगोगे तो इसकी आदत पड़ जाएगी और आप हैबिचुअल हो जाओगे और फिर आपको जो है जल्दी से आप इस दवाई को छोड़ नहीं पाओगे और धीरे धीरे क्या होगा आपकी मेमोरी भी लॉस होने लगेगी। तो इसलिए बार बार मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि डॉक्टर से कंसल्ट इसलिए करें क्योंकि डॉक्टर आपको सही तरीके से गाइड करेगा। अगर मान लो सपोज करो आपने किसी केमिस्ट वाले से जाके, आपका कोई जानने वाला हो और आपने जाके डायरेक्ट ये गोली खरीद ली और आपने खाई, तो आप मान लो 2-4 दिन 5 दिन आप रेगुलर खाओगे तो आपको क्या होगा, नींद अच्छी आने लगेगी और आपको हल्का हल्का नशा होने लगेगा, तो आपको क्या होगा धीरे धीरे इस दवाई की आदत पड़ जाएगी, तो आदत पड़ जाएगी तो आप इसको छोड़ नहीं पाओगे, फिर आगे चल के आपको दिक्कत होगी। इसीलिए इस दवाई को खाने से पहले डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें क्योंकि डॉक्टर आपको अच्छे से गाइड कर पाएगा। तो दोस्तों ये था ज़ोलफ्रेश टैबलेट का रिव्यू। आई होप आपको वीडियो से कुछ नॉलेज और इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करना और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और फिर भी दोस्तों आपको इस ज़ोलफ्रेश टैबलेट से रिलेटेड कुछ पूछना हो या आपका कोई सवाल हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।